सो योर्स गेमर, कैसे हो लोग, मैं हूं रेडियन। तो गाइस आज मैं आपको देने जा रहा हूं एक गेमिंग रिव्यू जिसमें मैं खेलने जा रहा हूं हिटमैन 3। तो गाइस ये 2021 की बहुत ही ट्रेंडिंग गेम है और ये अभी भी लॉन्च हुई है और अभी आपको इसको खेलने के लिए पे करना पड़ेगा या फिर आप इसको रेंट पे भी ले सकते हैं। तो गाइस अभी मैं आपको दिखाऊंगा सारी गेम के कैसे इसका ग्राफिक्स है, क्या गेम प्ले, क्या स्टोरी है इसकी, और मैं आपको लास्ट में बताऊंगा आपको इसको बाय करना चाहिए या नहीं। तो गाइस वीडियो को देखते रहें, एंड तक बने रहें। सो गाइस विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट गेट स्टार्टेड टू आवर वीडियो। तो गाइस अगर हम बात कर ले इस गेम के ग्राफिक्स की, तो ग्राफिक्स का गाइस क्या ही कहने, इसके भाई बहुत ही ज़्यादा ओपी ग्राफिक्स हैं। अगर आपके पास एक अच्छा गेमिंग पीसी है तो आप उसके अंदर इसके 4K गेमिंग प्लस 60 FPS आराम से खेल सकते हैं। तो गाइस लास्ट में मैं बता दूंगा कि आपको मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए इस गेम को अच्छी तरह से प्लेबल FPS पे खेलने के लिए। तो गाइस हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर जो कि है स्टोरी लाइन। तो गाइस इस गेम का स्टोरी लाइन हिटमैन 3 का स्टोरी लाइन हिटमैन 2 और हिटमैन 1 से बहुत ही ज़्यादा अच्छा और इसके अंदर बहुत सारे मिशंस हैं जिसके अंदर आप जल्दी से बोर भी नहीं होगे। तो गाइस इसमें हमें बहुत सारे तरीकों से, अलग अलग तरीकों से बंदे को असैसिनेट करके मारना है, तो जो गाइस बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ है और इस गेम में आप बोर जल्दी नहीं हो पाओगे क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मिशन है और आप इसको सारा सारा दिन भी खेल पाओगे क्योंकि ये इतनी गेम आगे जाकर इंटरेस्टिंग हो जाती है। तो गाइस अभी मैं बताता हूँ इसके अंदर आपको मैप्स कितने देखने को मिलेंगे। तो गाइस इसके अंदर हमें मिलने वाले हैं 6 मैप्स जो कि आप 6 जगह पर जाकर अलग अलग मिशंस कर सकते हो, जिसमें से पहला मैप है दुबई UAE के अंदर, दूसरा है यूनाइटेड किंगडम के अंदर, तीसरा है बर्लिन जर्मनी के अंदर, एंड चौथा है चाइना, 5th अर्जेंटीना, एंड 6th है रोमेनिया। तो गाइस 6 मैप्स और आप अनलिमिटेड फंड कर सकते हैं इसके अंदर। तो गाइस मैप बहुत सारे हैं और मिशन भी देख सकते हो आप कितने सारे होंगे। तो गाइस इसकी एक बहुत बड़ी एडवांटेज है इस गेम के लिए। तो गाइस बात कर ले इस गेम के प्राइस के ऊपर, तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा ओवर प्राइस गेम है। तो इसका हमें अमेजोन पे मिल रहा है इसकी एक DVD 3605 रुपीज़ की, जो कि है PS4 के लिए। तो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली है गेम के लिए और इवन के इसके मिशंस एक टाइम पर आके ख़त्म हो जाएंगे और ये गेम अगर आप एक अच्छे प्रो प्लेयर हैं तो आप इस गेम को इजीली वीक में ख़त्म कर देंगे और अगर आप एक कैजुअल गेमर हैं तो आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो गाइस बात कर ले सबसे मेन टॉपिक जो कि है सिस्टम रिक्वायरमेंट्स। तो गाइस आपके PC के अंदर कौन सा ग्राफिक कार्ड, कौन सा मदरबोर्ड और कौन सा प्रोसेसर होना चाहिए जो कि आप हिटमैन 3 को प्ले कर सकें। तो गाइस हिटमैन 3 को प्ले करने के लिए आपको चाहिए इंटेल आईकोर i5। तो गाइस आपको i5 चाहिए 2nd जनरेशन का, इसको मिनिमम प्रोसेसर प्ले करने के लिए 3.3 GHz। और गाइस आपको GPU चाहिए वो है NVIDIA GTX 660, मिनिमम है ये। तो आपके पास बड़ा है तो बहुत अच्छी बात है वैसे। तो आपको RAM चाहिए मिनिमम 8 GB, जो कि एक थोड़ी सी हायर रिक्वायरमेंट कर रही है गेम। वैसे ये 4G पर चल जाती है पर थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है। तो गाइस ये इसकी गेम की रिक्वायरमेंट्स जो कि कुछ ज़्यादा ही हैं इस गेम की रिक्वायरमेंट्स। तो गाइस आगे हम बात करते हैं कि मेरा ओपिनियन क्या है, आपको उसको बाय करना चाहिए या फिर क्या करना चाहिए इस गेम का। तो गाइस अगर मैं अपना रिव्यू दूं इस गेम के ऊपर तो मैं आपको बोलूँगा गाइस इसको प्लीज़ परचेज बिल्कुल मत करना। तो गाइस अगर आपको परचेज करो गेम तो आपका मनी टोटली वेस्ट हो जाएगा क्योंकि ग्राफिक्स तो मैं मान तो बहुत अच्छी है पर ये गेम एक टाइम पर आकर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अगर आप अच्छी बड़ी गेमिंग कर लेती है तो आप इसको वीक में ख़त्म कर दोगे और वीक के बाद आपको ऐसा फील होगा कि मेरे 3000 रुपये डूब गए। तो गाइस मैं आपको सजेस्ट करूँगा अगर आप PC पे है तो आप उसका ईजिली करेक्ट वर्जन मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिलता तो मुझे कमेंट कर दो, मैं आपको एक वीक के अंदर इसका करेक्ट वर्जन की वीडियो डाल दूंगा। और अगर आप PS4 पे हो तो आप इस गेम को किसी और तरीके से चलाने की कोशिश करो। अगर आप रेंट पे ले सकते हो रेंट पे ले लो, पर गाइस इसको बाय करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो गाइस यही था आज का मेरा ये रिव्यू। तो गाइस आज के लिए इतना ही, आप इंजॉय करो गेम प्ले। तो गाइस मैं जा रहा हूँ, टाटा सी यू, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, सायोनारा। 47. I would like to address the Providence Partners directly. How are we looking?
thinking? I won. It's over. It's over. We're safe. Thank you. It's good to be alive. You got him, 47. Marcus Stuyvesant won't be a problem anymore. Let's move on to Carl Ingram. Come in. Just a precaution. I've been personally invited by the Royal Highness Omar al-Ghazali. I should have clearance. The name is Zaina Kazim. Sir, I understand. But you can't enter without being searched. It's standard procedure. This is ridiculous. Well, that's how it is. Think about it and come back if you want. Stand back, please. I will investigate. Oh, I understand. Hey, bud. Listen, sir, there's no drama. I just need to check your pockets if you want to pass. Yeah, it feels good, huh? Yeah, I bet it does there, cue ball. All right, proceed. No access through here. Please leave.